हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी चना पनीर। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चना पनीर बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 150 ग्राम चना को मैं भिगो के 2 सीटी से बॉईल करके रखा। ऐसे क्वायर शेप से 150 ग्राम पनीर को कट के रखा। 3 चम्मच ऑयल यूज़ करूँगी, स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ा टमाटो प्यूरी करके रखा, 1 बड़ा ऑनियन पेस्ट बना के रखा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच लिया, हरा धनिया 1 स्पून लिया, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, खड़े मसाला में तेजपत्ता 1-2, रेड चिली, दालचीनी और लवंग 3, 1/2 चम्मच जीरा और 2 इलायची। ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया, तेज पत्ता, जो खड़े गरम मसाला और जीरा लिया वो ऐड कर दिया और इलायची को तोड़ के मैं ऐड किया। फोड़ने चटकने लगा। अभी जो ऑनियन पेस्ट करके रखा था वो ऐड कर दिया। ऑनियन का अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया और भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। मसाला फ्राई करके हो गया। अभी जो सूखा इंग्रेडिएंट्स लिया, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। अभी जो टमाटो को प्यूरी करके रखा था वो ऐड कर दिया। सूखा मसाला जलेगा भी नहीं और टमाटो को भी थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ मसाले के साथ। मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया, साइड से ऑयल छोड़ दिया। अभी जो बॉइल करके रखा था चना को ऐड कर दिया और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। अब पानी ऐड करूँगी और जो पानी पीसेस में कट के रखा था वो भी ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके हो गया। अब स्वाद अनुसार नमक और गरम मसाला ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और 5 मिनट बॉइल होने के लिए रख देती हूँ। चना पनीर बन के रेडी हो गया। अभी गैस बंद कर देती हूँ और एक बाउल में साफ कर लेती हूँ। टेस्टी चना पनीर बन के रेडी हो गया। आप लोग बनाइए, आप लोग को अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। हरा धनिया के साथ सर्व कर लेती हूँ। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।